उधर लोहारू से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है लोहारू से। तो बड़ी खबर लोहारू से, लोहारू में बागवानी एक्सपो का दूसरा दिन आज। जी हां, बागवानी एक्सपो का किन्नाऊ गांव में लगा है बागवानी एक्सपो। कृषि मंत्री जेपी दलाल एक्सपो में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को संबोधित करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को दी जाएगी बागवानी से जुड़ी जानकारियां भी। तो लोहारू में बागवानी एक्सपो का ये दूसरा दिन है और गिन्नाऊ गांव में लगा है बागवानी एक्सपो। कृषि मंत्री जेपी दलाल एक्सपो में शिरकत करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे कृषि मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। महा सिंह संवाददाता लोहारू से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महा सिंह, बागवानी एक्सपो का ये आयोजन जो है लोहारू में हो रहा है, दूसरा दिन है आज, क्या कुछ रहेगा दूसरे दिन? देखिए, बागवानी एक्सपो का जो गांव चुनाव है उसके अंदर दो दिवसीय मेला चल रहा है एक्सपो का, और ये आज दूसरा दिन है। यहाँ पर कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हुए, तो भारी संख्या में किसान अलग अलग गांव और प्रदेश भर से यहाँ आए हैं। किसानों के लिए आने जाने के लिए विभाग ने प्रबंध कर रखे हैं यहाँ पर, और तो हर विभाग ने और कंपनियों ने किसानों के प्रोडक्ट की साले लगाई है कि किस तरह से खेती की जाए, किस तरह से मशीनरी का उपयोग किया जाए ताकि लागत कम आए, पैदावार ज्यादा हो, इस तरह पर सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। जी, किसानों में कितना उत्साह इस तरीके के जो बागवानी एक्सपो है उसको लेकर यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि दूसरा दिन है आज, कैसा रिस्पॉन्स वहाँ पर मिल रहा है किसानों की तरफ से? देखिए, कल से और भी भारी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे। किसानों के साथ साथ एक और चीज देखने को मिलेगी, जो छात्र हैं वो भी इन प्रदर्शनियों को देख रहे हैं, और यहाँ पर जो बागवानी उत्कृष्ट केंद्र है यहाँ पर सैकड़ों प्रकार की जो पौध है, पेड़ है, वो तैयार की जाती है, उनकी जो प्रदर्शनियां है उनको देख रहे हैं और किसानों को ले जा रहे हैं उनके अपने अपने खेतों में लगाने के लिए। किसानों के लिए अगर बात की जाए तो बहुत फायदेमंद जो है मेला साबित होगा, ताकि उनको बहुत जानकारियां यहाँ से मिलेगी खेती किस तरह से की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महा सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।